सब तो पहला सत श्रीकाल, मैं दलजीत कौर वोकेशनल मिस्ट्रेस इंपोर्ट एक्सपोर्ट मैनेजमेंट ट्रेड दे अंडर गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल भार सिंहपुरा जलंधर डिस्ट्रिक्ट विखे सेवावान निभा रही हाँ। इंपोर्ट एक्सपोर्ट मैनेजमेंट ट्रेड दे अंडर अज असी 12वीं क्लास का इंपोर्ट मैनेजमेंट सबजैक्ट का 8वां टॉपिक करन जा रहे हैं, नेमिंग द बिजनेस, मतलब व्यापार नूं नाम देना। किसी भी व्यापार नूं जदों असीं शुरू करते हैं तो जे उस व्यापार नूं नां ना देईए तो उहदी कोई आइडेंटिटी नहीं होएगी, किस नां नाल लोग उस कंपनी नूं बुलाउणगे जां की पहचान होएगी। इह जरूरी है कि असीं अपनी कंपनी दा अपनी संस्था दा नामकरण करिए, उस नूं कोई नाम देईए। नेमिंग द बिजनेस, व्यापार नूं नाम देना। जब कोई भी व्यापारक संस्था की शुरुआत की जाती है तो पहला काम उस व्यापार को नाम देना होता है, तो यह बिल्कुल आसान काम नहीं होता। प्यारे विद्यार्थियों, जो असी कोई भी व्यापारक संस्था रन करते हैं, शुरू करते हैं, तो उस वेले असी उस कंपनी नू, उस संस्था नू जे नाम नहीं देवांगे तो साड़ी जिहड़ी कंपनी है किस नाम नाल जानी जाएगी जां पहचानी जाएगी। तो यह साडा पहला स्टैप हुंदा है कि असी उस कंपनी नू कोई नाम देना। असी काफ़ी सारे नेम जिहड़े आ सिलैक्ट करते हैं, पर जो असी नाम सिलैक्ट करते हैं उहदे विच असी किहड़ियां किहड़ियां गल्लां दा ध्यान रखते हैं वह असी पढ़ांगे। ते इहदे इह जिहड़ी प्रोसैस आ इक पूरी प्रक्रिया है, इहदे विच इदां ही नहीं कि तुसी कोई भी नाम रख सकते हैं, नहीं, इहदे विच कुछ चीज़ां सोच के नाम जिहड़ा रख्या जांदा ऑर्गेनाइजेशन दा, ते इह जिहड़ियां गल्लां ध्यान च तुसी उस वेले रखणियां हुंदियां उह असी पढ़ांगे। इह दो स्टैप्स इहदे मेन आ। पहला हैगा नाम तय करना, मतलब नेमिंग द बिजनेस, कि असी बिजनेस नूं की नाम देण जा रहे हां। जदों असी अपनी व्यापारक संस्था नूं नाम देना होवे तां इस गल दा ध्यान रखो कि तुहाडे बिजनेस दा नाम तुहाडे कारोबार दे मुख तत्तां नूं दर्शाउंदा होवे, मतलब तुहाडे जिहड़ा तुसीं अपनी संस्था दा नाम रखना उहदे तों इह पता लगदा होवे कि तुसीं किस एरिया विच डील कर रहे हैं, लाइक इंपोर्ट का काम आ, एक्सपोर्ट का काम आ, ट्रेडिंग आ, वटैवर, तो उहदे अकॉर्डिंग ही तुहाडी जिहड़ी संस्था, जिहड़ा तुहाडा कारोबार आ, तुहाडा मेन काम आ, वो तुहाडे नाम तो रिफलैक्ट हुंदा होवे। तुहाडे कारोबार का नाम खपतकारां नूं जिन्ना ज़्यादा संचारित करेगा उन्ना ही तुहाडे कारोबार नूं समझाउणा सौखा होवेगा। बिजनेस का नाम रखण समय शब्द जोड़ां नूं खास तरजीह दिओ। जदों आपां कोई जिहड़ा नाम रख रहे हैं अपने संस्था का, अपने ऑर्गेनाइजेशन का, तो जिहड़े खपतकार आ, मतलब जिहड़े ग्राहक होंगे, उन्हां नूं वो जिहड़ा नाम आ वो अट्रैक्ट करना चाहिए। तो जिन्ना साडा जिहड़ा नाम आ वो अट्रैक्ट करेगा उन्ना ही तो जिहड़ा साडे काम नूं वो लोग ज़्यादा समझ सकणगे कि इह जिहड़ा नाम आ वो किस बारे च है और इस कंपनी का की काम हो सकता है। जिहड़ा बिजनेस का नाम असीं रखना आ उहदे विच जिहड़े शब्द जोड़ आ ते उन्हां दा असीं खास ध्यान रखना कि वह उन्हां दा जिहड़ा शब्द जोड़ा वो वधिया होण, ठीक है। तुहाडे कारोबार दे नाम विच तुहाडा काम की है उपर फोकस कीता फोकस करता है, जिवें आयात निर्यात कंपनी है तो उसके नाम विच इंपोर्ट एक्सपोर्ट ओवरसीज वर्ल्ड वाइड ग्लोबल इंटरनेशनल आदि शब्दों की वरतों जरूर करो। जो आप अपने ऑर्गेनाइजेशन का नाम रखना है उस वेले असी कि गलों का ध्यान रखना है कि जोड़ा असी नाम रख रहे हैं वो इंपोर्ट वर्ड होक्सपोर्ट वर्ड होवरसीज वर्ड होल्ड वाइड ग्लोबल इंटरैशनल ये जे मेन दर्शाते हैं कि साडा एज सच काम की है, साड़ी कंपनी किस एरिया डील कर रही है। जिमें एक किसी कंपनी का लोगो है ग्लोबल ट्रेड एंटरप्राइजेज USA, कोई USA की कंपनी है उन्हें अपना लोगो बनाया तो वो ना तो देखो ग्लोबल वर्ड भी है, ट्रेड भी है, तो एंटरप्राइज भी है ना, भी एक तो यह शो हो गया कि एक एंटरप्राइज है, दूसरा ट्रेडिंग कर रही है, इंपोर्ट भी कर रही है, एक्सपोर्ट भी कर रही है, ग्लोबल मतलब डोमैसटिक नहीं है, विद इन कंट्री नहीं है, आउट ऑफ कंट्री मतलब दूसरे देशों नाल भी ये कर रही है ट्रेडिंग, ठीक है। ग्लोबल का मतलब आ गया कि पूरी दुनिया में किते भी असी चीज़ वेच खरीद सकते हैं, असी ग्लोबल कहने हैं, ठीक है ना। हाँ जी बच्चे, साडा फोर्थ पॉइंट है बिजनेस फॉर्म का नाम यह सोच के रखो कि वह सिर्फ तुहानू ही नहीं तुहाडे गाहक नू भी अपील करे जिसनू तुसी आकर्षित करने की कोशिश कर रहे हो।
मतलब जिहड़ा तुसी बिजनेस का नाम रखिया आ वह तुहाडे गाहक नूं भी आकर्षित करे, तुहाडी कंपनी नूं तां वह शो वधिया करे ही करे पर तुहाडे गाहक नूं भी वह आकर्षित करन दी कोशिश करे। वह ना बिल्कुल ना चुनो जो लंबा ते उलझण वाला होवे, मतलब कॉम्पलैक्स जिहा नाम ना रखो अपनी जिहड़ी कंपनी आ उहदा। नामकरण समय कुछ नवें ते आकर्षित शब्दां दी वरतों करो, मतलब न्यू वर्ड्स यूज करो ते जिन्हां दा मतलब बहुत अच्छा निकलदा होवे, थोड़े अट्रैक्टिव लगन वो वर्ड्स। ते नामकरण समय तुसी इस गल दा भी ध्यान रखो, नाम सादा ते स्पष्ट होना चाहिदा है, औखे शब्दां दी वरतों ना कीती जावे। न्यू वर्ड्स दी वरतों कीती जावे पर औखे शब्दां दी वरतों ना कीती जावे, ते नाम जिहड़ा उह स्पष्ट हुंदा होवे, सादा होवे। साडा सैकिंड स्टैप जिहड़ा मेन है वह हैगा नाम मंजूर करवाउणा, मतलब नेमिंग अप्रूवल। इस पड़ाव विच व्यापार शुरू करने वाले व्यक्ति पासों चार पांच नामों विचों एक बेस्ट नाँ की चोण कर ली जाती है, तो हुण वारी उस नाँ नूं भारत सरकार तो अप्रूव करवाउण दी हुंदी है। हुण जिहड़े असीं चार पांच नेम सिलैक्ट कीते आ उहनां विचों एक नाम जो असीं भारत सरकार तो अप्रूव करवाउणा हुंदा, जो असीं वाकई अपनी कंपनी का नाँ रखना हुंदा है, पांच छे नामों के विचों एक चूज कर लईदा, तो असीं उस नाँ नूं भारत सरकार तो अप्रूव करवाउणा हुंदा, फिर असीं उस प्रोसैस वल वधदे हां। हाँ जी बच्चे, हुण असीं सैकिंड पॉइंट पढ़न जा रहे हैं। जेकर व्यापारक संस्था दे नाँ की मंजूरी ली जाती है तो इस नाँ की वक्री पहचान बनाई जाती है, भावें आयात निर्यात खेत्र नामकरण प्रक्रिया का कोई प्रभाव नहीं पैंदा, पर फिर भी संस्था का नाम मार्केट में एक नवेकली जगह बनाता है। देखो आयात निर्यात प्रक्रिया के उपर जे कंपनी का नाँ कोई नहीं भी है तो भी कुछ ज़्यादा प्रभाव नहीं पैंदा इस काम दे विच, पर जे कंपनी का नाम संस्था का नाम है कोई वधिया तो वह उहदी आइडेंटिटी एक वक्री पहचान बनाउंदा है। शुरू किते व्यापार जां संस्था की मलकियत की किस्म के आधार पर कई बार ना दी मंजूरी लैनी जरूरी हो जाती है। कई बार जिहड़ा बिजनेस आ वह एक सिंगल परसन चला रहा रन कर रहा, कई बार वह कंपनी दो बंदे आपस च पार्टनरशिप करके चला रहा। मैं तुहानू एक एग्जाम्पल दिनी हाँ, जिवें मारुति है तो सुजुकी है, मारुति सुजुकी जिहड़ी एक अलग अलग कंपनियां सीगियां, मारुति इंडियन कंपनी सी, सुजुकी बाहरली कंपनी सी। जदों मारुति कोल की सी वह इंडिया दे विचों देखो पूरी मार्केट सी, और सुजुकी सी उहदे कोल नवीं टैक्नोलॉजी सी, उन्होंने आपस च मर्ज हो के नवा नाम बना लिया, हुण नाम मारुति सुजुकी हो गया है ना। तो जदों इस तरह के बिजनेस के विच जदों दो कंपनीज आपस च मिलदियां मर्ज हुंदियां तां उहनां दी जिहड़ी आइडेंटिटी वेले उन्हां दा नाम जदों डिसाइड किया जाता तो दोनों कंपनियां दा नाम जिहड़ा उहदे विच रिफलैक्ट हो रहा मारुति सुजुकी, तो इदां दे हालातों के विच कंपनी दा नाम रजिस्टर करवाना जरूरी हो जाता है। ठीक है राजे, फोर्थ पॉइंट यह है एक व्यापार नूं नाम देना इसलिए जरूरी हुंदा है कि तुहाडे रजिस्टर नाम नाल मिलदा नाम किसी होर कंपनी दा भी होवे तां दुविधा खड़ी हो सकती है। हुण मान लो तुहाडी कंपनी दा जो नाँ है वह एक होर कंपनी दा नाँ भी है, ठीक है, सेम नाम ते दो कंपनियां चल रही, तद तुहाडा नाँ किसी होर कंपनी नाल मिल रहा है ते तुहाडा जिहड़ा कई तरह दे कम्मां दे विच जिहड़ी नेम फेम आ वह लोगों नूं समझण दे विच भी दिक्कत हो सकती है। जिवें तुहाडी कंपनी दा नाम लै तुहाडी कंपनी दा प्रोडक्ट खरीदण गया कोई बंदा, ठीक है, ते उत्थे सेम कंपनी दा सेम नेम दी दूसरी कंपनी दा प्रोडक्ट पिया जिहदी क्वालिटीज़ जिहदे फीचर्स विच डिफरेंस आ, ठीक है, तद उस टाइम ते दुविधा हो जाती है कि तुहाडी जिहड़ी कंपनी दा प्रोडक्ट आ उहदी सेल घट सकती है। ठीक है, ते उहदे इस गल नूं क्लीयर करन लई तुहानूं अपनी कंपनी दा नाम रजिस्टर करवाउणा पैंदा, पर जिहड़ा तुहाडी कंपनी दा नाम रजिस्टर होया कोई दूसरा बंदा वह सेम नाम नहीं रख सकता, जे कोई नाम रखेगा सेम तरह का तो उन्हें उहदे विच कुछ ना कुछ चेंज जरूर करनी पएगी। इहदे नाल इह जिहड़ा खतरा नहीं रहिंदा कि तुहाडी आइडेंटिटी ते कोई होर कंपनी काम करी जाए। ठीक है, व्यापार दा नाम रजिस्टर करन उपरंत उस नाम ते ट्रेडमार्क लेना जरूरी हुंदा है तां जो कोई होर कंपनी तुहाडी कंपनी दे नाम दी वरतों करके अपना काम ना कर सके। ट्रेडमार्क मिलन उपरंत इस दुविधा दा डर नहीं रहिंदा। हुण ट्रेडमार्क की हुंदा,
ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੋਗੋ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਈਨ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਨ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਕੋਈ ਦੂਸਰੀ ਕੰਪਨੀ ਜੇ ਆਪਣਾ ਲੋਗੋ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਟ੍ਰੇਡਮਾਰਕ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲੋਜ਼ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਲੋਜ਼ ਹੈਗੇ ਆ ਕੁਝ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਜਿਹੜੀ ਸੇਮ ਲੋਗੋ ਲੈ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਰੀਪ੍ਰਜੈਂਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਕੋਈ ਦੂਸਰੀ ਕੰਪਨੀ ਸੇਮ ਲੋਗੋ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਡਿਫਰੈਂਟ ਲੋਗੋ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਡਮਾਰਕ ਜਿਹੜਾ ਲੈਣਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਆਈਡੈਂਟੀ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਅਗਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਸਾਡਾ ਹੈ ਵਪਾਰਕ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਨਾਂ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਆਫ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਰਜਿਸਟਰ ਜਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਨਾਮਕਰਨ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ, ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਨਾਮ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਵਾਇਆ, ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਵਾਇਆ, ਕਿਹੜੀ ਸੰਸਥਾ ਤੋਂ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ, ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਆਫ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਬੱਚੇ, ਇਨ ਦਾ ਐਂਡ ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਸਮਝ ਆਈ ਹੋਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਣਾ ਹੈ, ਨੋਟ ਡਾਊਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਾਪੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। 12th ਕਲਾਸ ਹੈ, ਮੈਂ ਬਾਰ ਬਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹਾਈ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਕੋਨਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਨਾ ਆ ਅਤੇ ਨੋਟ ਡਾਊਨ ਕਰਨਾ ਆ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਚੈਨਲ ਆਗਾਜ਼ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੋ ਜੇ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਈਕ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਪੋਰਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸੋ ਈਜ਼ੀਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਲਿੰਕ ਆ ਉਹ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਚਾਰਜਿਸ ਤੋਂ। ਸੋ ਇਨ ਦਾ ਐਂਡ ਥੈਂਕ ਯੂ।